हे गाइस, वेलकम बैक टू द वी सॉल्यूशंस। आज मैं सौरभ कावड़े आपको बताऊंगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के एक इम्पोर्टेंट सम के बारे में। चलिए अब सम की तरफ बढ़ते हैं। अ सिलेंडर विद डायमीटर 50 mm ऑफ इट्स बेस एंड 70 mm एक्सिस हाइट हैज इट्स एक्सिस इंक्लाइंड टू वीपी एट 30 degree। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर व्हेन द सॉलिड इज रेस्टिंग वन ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑन वीपी। सो ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो सिलेंडर का डायमीटर है वो है 50 mm एंड जो उसका हाइट है वो है 70 mm एंड उसका एक्सिस जो है वो 30 degree इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन पे। सो अब आगे दिया है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन जब वो सॉलिड एक पॉइंट पे रेस्ट कर रहा है जो कि उसके सर्कमफेरेंस पे है और वो जो वो सिलेंडर है वो है वर्टिकल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। सो चलिए गाइस इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस चलो अब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का ये प्रॉब्लम भी हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन बनाऊंगा जिससे कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे हम। सबसे पहले मैं मैं नाम लेता हूँ वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो अब दो प्लेन्स मैंने प्लॉट कर दिए हैं। तो अभी सबसे पहले हम गिवन डेटा देखते हैं क्या है। सो हमें सिलेंडर का प्रोजेक्शन करना है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का ये सम है तो सिलेंडर का प्रोजेक्शन हमें निकालना है जिसका डायमीटर है 50 mm, जिसका हाइट है 70 mm और वो वीपी से इंक्लाइंड है एट 30 degree। सो अब आप देख सकते हैं कि जनरली हम जब बनाते हैं तब जो प्रॉब्लम है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट इसका एक फ़ायदा ऐसा है कि इसमें हमें एक ही केस दिया हुआ है। सो हमें सिर्फ दो सेक्शंस में इसको डिवाइड करना है। सो अब हमारे पास काफ़ी स्पेस है तो आप एग्ज़ाम में भी ये ध्यान में रखिए कि आप जो स्पेस है वो अच्छी तरह यूज़ करें। सो मैं सबसे पहले जो उसका जो बेसिक शेप है वो बनाऊंगा। फर्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसमें हमने दिया हुआ है कि इट रेस्ट एट वीपी। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रेस्ट ऑन वीपी। सो रेस्ट ऑन वीपी। तो अब वीपी पे रेस्ट कर रहा है तो जो वीपी में रेस्ट करता है वो हमें इधर दिखता है, यानी सिलेंडर का फ्रंट व्यू जो है वो हमें इधर दिखेगा। इसमें ऑपोजिट होता है हमेशा, जो एचपी में रेस्ट करता है वो हमें वीपी में उसका फ्रंट व्यू मिलेगा और जो वीपी में रेस्ट कर रहा है उसका फ्रंट व्यू हमें एचपी में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन लेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेंगे। सो यहाँ पे मैं ग्रीन मार्कर यूज कर रहा हूँ आप ताकि आपको विजिबल हो। आप जब पेपर पे बना रहे हो तब आप पेंट पेंसिल यूज कर सकते हैं। कौन सी पेंसिल यूज करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम प्रोजेक्शन बनाएंगे। सब मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ फॉर प्रोजेक्शन।
बेस हमें दिया है 50, सो 50 mm हमें डायमीटर दी है, सो बेस का लेंथ आएगा 50। सो यहाँ पर मैं मार्क कर दिया मैंने, सो अब हाइट जो दी है वो है इसकी 70 mm। तो अब हम इसको डार्क कर लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे मैं जो मेन ऑब्जेक्ट है अपना वो बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ, ब्लैक स्केच पेन, ताकि आपको विजिबल हो। आप जब आप पेपर पे बना रहे हो एग्जाम में तब आप 2B या 3B पेंसिल यूज कर सकते हैं। सब यही प्रोजेक्शन मैं ऊपर दूंगा। एक रिजेक्शन मैंने ऊपर ले लिया। सो अब यहाँ पे हमें टॉप व्यू बनाना है इसका, यानी फ्रंट व्यू, क्योंकि वीपी पे रेस्ट कर रहे हैं तो इसका फ्रंट व्यू में हमें सर्कल दिखेगा। सो सबसे पहले अब हम मेजर करते हैं, इसका सेंटर लेंगे, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर आएगा अराउंड 2.5। तो सेंटर हमें मिल चुका है, ये सेंटर है। तो हम अभी सर्कल बनाते हैं, फ्रंट व्यू जो है हमारे ऑब्जेक्ट का हम बनाते हैं। सर्कल भी हमारा बन गया है। तो सबसे पहले मैं सेंटर लाइंस बना लेता हूँ, इसकी जो एक्सिस रहती है इस सिलेंडर की वो मैं बना लेता हूँ सबसे पहले। तो रेड पेन में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे सेंटर लाइन बनाने के लिए। तो गाइस अभी हमें क्या करना है, अब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट है यानी कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हुआ कोई भी क्यूब है जिसको एजेस रहते हैं यानी कोने रहते हैं, तो उस पे हमें एक पॉइंट मिल जाता है जिससे हम पता लगा सकते हैं। जैसे अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को ABC तीन साइड्स रहती है, तो तीनों साइड्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सर्कल आप देख सकते हैं कोई भी इसको एज नहीं है,
ये एजलेस है, सो एज है ही नहीं इसको, सो अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। सो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स रहते हैं, सो अब जैसे हमने साइक्लॉइड में जो सर्कल है उसको हम लोग ने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे हम करने वाले हैं अभी। सो अब सबसे पहले मैं पेंसिल से ही मार्क करूँगा, तो मैं मार्क कर लेता हूँ। थर्टी डिग्री, 60 डिग्री, 90 तो है ही, यहाँ से भी 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। सो आप अगर प्रोटेक्टर यूज करना चाहें तो प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं। सब मैं इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। वैसे देखिए आप 6 पार्ट्स में अभी ये डिवाइड हो चुका है। सो अब हम इसको नंबरिंग करेंगे। सो नंबरिंग आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो 12, 1 ये थोड़ा दिखेंगे 1। सो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जो हमने पार्ट्स डिवाइड किए हैं पार्ट्स में, उसको हम नीचे प्रोजेक्ट करके लेके जाएंगे। अब हमने इसको नीचे प्रोजेक्ट कर लिया है, तो सिमिलरली हम नीचे भी नेमिंग करेंगे अभी। सेम नेमिंग हम यहाँ करेंगे, बट यहाँ पे आएगा हमारा 1 डैश। सो अब इस लाइन में कौन सा है, 1 और 7, तो इधर आएगा 1-7-, 1-7-। अब इस लाइन में है 2 और 6, तो 2-6-, 2-6-, 2-6-। 3 और 5 है, 3-5-, 3-5-, 3-5-। अब यहाँ पे है 4-, यहाँ पे है 10-, यहाँ पे है 9-11-, 9-11-, 10-4-, 9-11-, अब है 8-12-, 8-12। सो आप देख सकते हैं अब हमारा जो पहला सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे नंबरिंग किया है वैसे भी आप कीजिए, आप ऐसा ही करें। आप यहाँ से भी 1 चालू कर सकते हैं, कहीं से भी 1 चालू कर सकते हैं। सो अब जो है, अब ये इतना पार्ट हमारा कवर हो चुका है, इतना पार्ट हमारा हो चुका है कवर। अब है इंक्लिनेशन विथ वीपी, ये वाला हमने प्रोजेक्शन अब निकालना है। सो वीपी से इंक्लाइंड है, सो वीपी से इंक्लाइंड है, तो मैंने सबसे पहले जो बोला था कि जो भी यहाँ पे दिखता है, जिसमें जो भी हो रहा है उसके अपोजिट साइड में वो दिखता है, यानी अब ये चीज़ वीपी पे इंक्लाइंड है तो हमें एचपी पे दिखेगी। सो हम एचपी पे उसका इंक्लिनेशन दिखाएंगे, यानी जो भी 30 डिग्री पे हमने तो फिगर बनाना है वो एच पी पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है रेस्ट एट वी पी।
तो वीपी पे हमने रखा है तो एचपी पे दिखेगा, तो इंक्लिनेशन विद वीपी है तो इधर आएगा। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं कोई भी, और वहां से हम 30 डिग्री पे, सबसे पहले 30 डिग्री मार्क करेंगे। सो गाइस अभी अभी कैसा है, मुझे जो है जिसका एक्सिस इंक्लाइंड है ऐसा बोला हुआ है कि जिसका एक्सिस वीपी से इंक्लाइंड है, सो मैं डायरेक्ट एक्सिस ही निकाल रहा हूँ। आप अगर आपको सफिशियंट ना लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, तो आप पहले फेंट प्रोजेक्शन लाइन बना सकते हैं जब आप एग्ज़ाम में बना रहे हो। तो ये तो मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ जो एक्सिस है वो। तो अब हम अब इसका जो डायमीटर है वो है 50 mm, सो यहाँ पे मैं 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर जो है वो इस लाइन पे रेस्ट करूँगा ताकि मुझे 5 सेंटीमीटर का बेस मिले, क्योंकि मुझे यही जो फिगर, ये जो फिगर है वही मुझे यहाँ पे बनाना है। सो अब देखते हैं। सो 2.5 मैंने रख लिया है बीच में। अब हम इसको धीरे से केयरफुली हम इसको पीछे खींचेंगे ताकि वो उस मार्क से हिले ना, और जहाँ पे 5 सेंटीमीटर हमें मिल रहा है, देखिए अब यहाँ पे मुझे 5 मीट हो रहा है ये वाले लाइन पे, जो हमारा एक्सिस है एक्स वाई उस पर ये 5 सेंटीमीटर मीट हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा रहेगा, 5 सेंटीमीटर मीट हो रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्शन निकाल लेता हूँ, सॉरी प्रोजेक्शन मैंने सबसे पहले निकाल लेता हूँ। तो ये निकाल प्रोजेक्शन निकाल लिया है। सब मैं इसको मुझे सेम फिगर यहाँ बनाना है, सो इसलिए मैं यहाँ पे भी मैं 70 मार्क कर लेता हूँ। 70 सो ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो आप राउंडर से भी कर सकते हैं। सो एक्चुअली मेरे पास एक ही पेन है ब्लैक कलर का, और डेट्स वाई मैं राउंडर में निकालने के लिए डालने के लिए इसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं ये बन चुका है। तो अभी अभी जो है ये जो हमने पॉइंट मार्क किए थे वो अब हम इसको प्लॉट करने हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको राउंडर की ज़रूरत पड़ जाएगी, सो राउंडर आप पास में ही रखिए। सॉरी एक्चुअली मैंने ब्लैक ब्लैक राउंडर लगा दिया।
गाइस मैंने मार्क कर लिया है। सो अभी हम प्रोजेक्शन लाइंस बना लेते हैं इसकी। सो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ था कि इट इज रेस्टिंग ऑन इट वन ऑफ इट्स प्रोजेक्टर। सो हम लोग ने उसकी तरह उसी कंडीशन के बेस्ड हम लोग ने बनाया है ये। सो अब फोर डैश। सो अब सिमिलर लेमिंग करेंगे। अब एक्सिस के इस साइड है यानी ये जो है आपका जो ये ऑब्जेक्ट है जो है ये, अब इमेजिन दिस इज अ सिलेंडर, ये दिस इज अ सिलेंडर। सो ये मैंने ऐसे टिप किया है। सो ये मैंने ऐसे टिप किया है। सो ये फोर पे रेस्ट कर रहे हैं तो फोर डैश, फिर उसके बाद आता है 5-3-। सो ये जो है इसका यूज है प्रोजेक्टर्स का कि हमें डिफ्रेंशिएट करना आ गया कि हम कौन से पॉइंट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो आगे और भी इसका यूज है, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो अब जब भी, और एक बात मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि जो सिलेंडर है वो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सबसे टफेस्ट पार्ट है बिकॉज इसमें प्लॉट करना पड़ता है आपको। आगे आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, आगे वो पार्ट है। सो आप जब पेपर लिख रहे हो तो आप ये ध्यान में रखें कि आप हर एक जो लाइन है वो क्लीन एंड नीट बनाए। अब मेरा स्केच पेन है सो थोड़ा ब्रॉड लिख रहा है, सो इसके लिए मेरा ऊपर नीचे हो रहा है। सो जब आप पेंसिल से लिख रहे हो तो सब मेक श्योर डेट योर पेंसिल इज शार्पन। सो अब जैसे अगर अब तो अब हम ये करेंगे कि इसके जो प्रोजेक्शन है वो हम यहाँ लेंगे और इसके जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ लेंगे। सो अब स्टोरी इज की ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर यहाँ से हमें देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो। सो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। सो ये ऑब्जर्वर एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है। सो ये ऑब्जर्वर हमें यहाँ से देख रहा है। सो ये प्रोजेक्शन हमको ऊपर लेने होंगे और इसके प्रोजेक्शन सबको यहाँ पे लेने होंगे। तो अब इसमें जो है थोड़ा ध्यान से इस ये जो पार्ट है अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो थोड़ा जब आप एग्जाम में करोगे तब ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारी लाइन्स है जो एक साथ मीट होती है। सो अब ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सो ईच एंड एवरी पॉइंट जो आपको दिख रहा है इस फिगर का वो आप प्लॉट कर दीजिए, ईच एंड एवरी पॉइंट जो इस फिगर का है वो आप प्लॉट करना है आपको, इवन नीचे के पॉइंट्स भी आपको प्लॉट करने हैं। सो ऊपर के पॉइंट्स हो गए हैं, 4-4 आ गया, इसपे मेरा सिलेंडर जो है वो रेस्ट कर रहा है। सो अब जो है 10-, तो हर एक पॉइंट को अभी प्लॉट करना है हमें। तो मेरे पास जो बड़ी स्केल है वो नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा एज मीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जब आप ये प्रोसेस करोगे तो मेक श्योर कि आपके पास
जो बड़ी वाली रोलर स्केल आती है 30 सेंटीमीटर की, वो आप रख लो अपने पास। तो अब मैं यहाँ के भी प्लॉट करूँगा। सो प्लॉट हो चुका है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ टाइप बन गया है, नेट बन गया है। सो अब ये जो पार्ट है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पे ऐसा है कि दो हमें एजेस मिलेंगे। अब जैसे बाकी के केसेस में था, आपको स्क्वायर पिरामिड हो या फिर आपको कोई रेक्टेंगल हो, तो उसमें ऐसे रहता है कि आपको एक ही बेस मिलता है। बट यहाँ पे सर्कल है, सिलेंडर है, तो हमें दोनों बेस निकालने पड़ेंगे। क्योंकि कोन में जनरली ऐसा रहता है कि एक जो है एक वर्टेक्स ही रहता है, एक ही पॉइंट रहता है एक साइड पे। सो अब चलो प्लॉट करते हैं इसको, इसको प्लॉटिंग बोलते हैं। सो 4 डैश की लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं और 4 डैश की लाइन से हम यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये जहाँ मीट कर रही है वहाँ पे हमें पॉइंट है 4। सो ये हुआ हमारा पॉइंट 4। सो 3 डैश और 5 डैश, सो 3 डैश और 5 डैश की लाइन को मैं मिल रहा है। सो यहाँ पे आएगा 3। अब यहाँ पे 5 डैश मिल रहा है, सो यहाँ पे आएगा 5। अब यहाँ पे जो है आगे जो है वो 6, ये वाला पॉइंट है, सॉरी। तो ये देखिए आप, मेरे से भी गलती हो गई। यहाँ पे आप ध्यान से फॉलो कीजिए। सो अब जो है यहाँ पे है 6 डैश और 2 डैश। सो 6 डैश की ये लाइन है, चाहिए तो पेंसिल से आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो पेंसिल से रेफरेंस लीजिए, मैं डायग्राम ख़राब ना हो इसलिए मैं स्केच पेन नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये लाइन है, आपको विजिबल ना बराबर से ना होगा जब आप बना रहे हो, तब ध्यान में रखिए। तो 2 डैश और ये यहाँ पे 2 डैश की लाइन और ये 2। तो यहाँ पे टू और अब यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आएगा हमारा 6। सो अब सिमिलरली 7 डैश और 1 डैश का करेंगे। 7 डैश यानी बीच वाली लाइन, सो 7 डैश आएगा आपका यहाँ पे 7 और 1 और 1। सो यहाँ पे 12 और 8, ये 12 और 8 की लाइन है। यहाँ से 3rd लाइन 12 और 8, 12 और ये है 8। अब ये है 9 डैश और 11 डैश की लाइन, तो 9 डैश और 11 डैश और यहाँ पे है 11। तो ये लाइन यहाँ पे पॉइंट है, ये है आपका 11 और ये है आपका 9 और ये है 10 डैश की लाइन, से यहाँ पे आएगा आपका 10। तो अब सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने प्लॉट किया है, सिमिलरली इसी बॉन्ड पे आपको प्लॉट करना है आपको। सो तो अब जो है यहाँ पे 4 डैश, सो 4 डैश पहले हम प्लॉट करेंगे। सो इफ यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड देन आप ये वाला जो पैटर्न है, यहाँ जो हमने पैटर्न फॉलो किया है, वही आप यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क। सो 5
यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3। सो गाइस, हमारा जो प्लॉटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब इसमें जो मेन रोल है वो है अब फेंटेड लाइन और डॉटेड लाइन का। सो डार्क लाइन है, तो अब जो है इसमें एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आउटर बाउंड्री है, अब ये जो पॉइंट्स है, अब इसके आउटर बाउंड्री क्या है, ये जो जो पॉइंट्स है वो सबसे बाहर है, इसके अंडर में ये जो सेक्शन है ये पॉइंट है 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब 7 से लेके 1 तक ये जो पॉइंट्स है वो बाहर के साइड है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 से लेके 7 तक जो पॉइंट्स है वो बाहर है। सो अब हम क्या करेंगे कि पहले कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले हम इस बाउंड्री को ज्वाइन कर लेंगे। सो गाइस, अब ये स्ट्रेट लाइन तो बन गई, अब कर्व मुझे बनाना है। सो सबसे पहले मैं पेंसिल से बना रहा हूँ। सो जब आप ड्राइंग पेपर पे बना रहे हो तब भी आप प्रिफर करें कंपल्सरीली कि आप सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन से बनाएं। यू कैन ऑल्सो यूज अ फ्रेंच कर्व ताकि आपको कर्व जो तो अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। सो अब मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ जिससे आप डॉटेड कौन सा बनाना है और कौन सा जो है डार्क बनाना है, वो कंसेप्ट वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सब देखिए, आपके पास दो फेस है, एक ये फेस है और एक ये फेस है। सब ऑब्जर्वर के सबसे नज़दीक वाला फेस कौन सा है? तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, यहाँ से। सो जब वो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसको सबसे पहले, अब यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है तो सबसे पहले उसको ये वाला फेस दिखेगा एंड देन ये वाला फेस दिखेगा। सो अभी जो ये वाला फेस है वो उसको डार्क दिखेगा। अब ऐसे इन एग्जाम्पल मैं अगर बताना चाहूँ तो अब जो ये है सेलो टेप है, ठीक है, अब इसको दो फेस है, ठीक है, अब दो फेस है। तो अब मैं जब इसको ऐसे रख रहा हूँ, ये देखिए ऐसे रख रहा हूँ, तो ये वाला जो फेस है वो आपको पहले दिख रहा है सबसे पहले, देन ये पीछे वाला फेस दिख रहा है। सो ये जो अब ये मेरा हॉलो है, सो इसके लिए मेरे आपको ये दिख रहा है, बट जब आप ड्रॉ करोगे तो ये वाला आप सर्कल ऐसे ही ड्रॉ करोगे और ये वाला जो है वो आपको डॉटेड में दिखेगा। सो वही करना है हमें। सो ये वाला जो फेस है वो हमें डार्क में बनाना है। सो अब मैंने बेसिक प्रोजेक्शन ले लिए। सो अब ये वाला जो फेस है वो डार्क आएगा मेरा। और जो नीचे वाला फेस है वो मैं डॉटेड बनाऊंगा। सबका डायग्राम रेडी हो चुका है। सो अब इसका मैं एक्सिस बना लेता हूँ।
आपका डायग्राम जो है रेडी हो चुका है। सो अब हम इसका डाइमेंशनिंग करेंगे। सो अब इसका हाइट हम मेजर कर लेते हैं। इसका हाइट है 70 mm। सो 70 mm दिखाएंगे। सो डायमेंशन का जो बहुत सारे टाइप रहते हैं, इस टाइप्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा वीडियो। जो बेसिक्स है, जो ड्राइंग्स के रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं उसके अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक द वीडियोस। और इसका डायमीटर है, सो ये आपका फिगर हो चुका है ऑलमोस्ट। सो थैंक्स।